हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। यो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। वो बात कर रहे थे हम मार्केटिंग की, और बेटा हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट की सभी फिलॉसफीज देख ली थी, पांच के पांच। ठीक है जी, अब बेटा टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सब सामने देख रहे हैं, पहले मेरी तरफ। बेटा मेरे पास ना एक डेफिनेशन है मार्केटिंग मिक्स की। बेटा कुछ लोग मार्केटिंग बोलते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग सिमिलर सी बात है। बेटा मार्केटिंग के चार एलिमेंट थे, मैंने उस दिन आपको बताया भी था बेटा, जिनको हम प्यार से बोलते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक है ना जी बेटा? पहला P प्रोडक्ट, देन सेकंड प्राइस, देन थर्ड प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देन बाबू लास्ट वन इज प्रमोशन। बेटा मार्केटिंग मिक्स के चार एलिमेंट हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन। बेटा कुछ लोग प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स और प्रमोशन मिक्स के नाम से बुलाते हैं इनको। ठीक है जी बेटा, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स में हल्की एक बात का अंतर होता है, ऑल्दो बेटा अगर देखा जाए तो लगभग सिमिलर बातें हैं। ठीक है जी बेटा, अब मार्केटिंग मिक्स है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले ये समझो। एक बात और बेटा, पूरे मार्केटिंग चैप्टर में मेरे को ऑथर का नाम बताना ही नहीं है। पूरी मार्केटिंग जितनी भी आप थीसिस देखोगे ना, सबसे ज्यादा थीसिस लिखने वाला इंसान मार्केटिंग के ऊपर फिलिप कॉटलर है, और पूरी 12th क्लास में जितना भी थीसिस है बेटा सब फिलिप कॉटलर का लिखा हुआ है। तो मैं डेफिनेशन में नाम नहीं बताऊंगा किसने दी, एक ही आदमी ने दिया, फिलिप कॉटलर। मार्केटिंग की जिस मर्जी चीज की डेफिनेशन उठाकर देखिए। ठीक है जी बेटा, ये कहता है मार्केटिंग मिक्स क्या है, आराम से सुनना वरना बेटा डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, फिर रटनी पड़ेगी। कहता है मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट फर्म यूज टू परस्यू टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। बेटा कहता है मार्केटिंग मिक्स क्या है, इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। कहता है मार्केटिंग मिक्स क्या है, सेट ऑफ मार्केटिंग टूल दैट फॉर्म यूज टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। बेटा मार्केटिंग मिक्स बेटा बहुत सारे टूल्स से मिलकर बना है, ये बेटा टूल्स हैं मार्केटिंग मिक्स के। कहता है जिसका फॉर्म इस्तेमाल करती है दैट फॉर्म यूज टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, इसका इस्तेमाल किया जाता है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मैं पूछूं बेटा क्या है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, तो बेटा कस्टमर सेटिस्फेक्शन है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। बेटा मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल दैट फॉर्म यूज्ड टू परस्यू टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। इन सब का इस्तेमाल किया जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए टारगेट मार्केट में, दैट्स इट। ये डेफिनेशन है, समझ में आती है बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, अभी तक तो जितनी बात बोली सब क्लियर। बढ़ाएं बात को आगे बाबू। अब बेटा टॉपिक स्टार्ट होता है मेरे पास प्रोडक्ट, यानी कि बेटा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स, पहले इसकी बात करूंगा और फिर इस टॉपिक को फर्दर बढ़ाऊंगा। बेटा अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये टॉपिक छोटा है, ये टॉपिक भी ठीक ठाक बड़ा है, और ये सबसे बड़ा टॉपिक है। अब वो बहुत ठीक ठाक लेक्चर लगने वाले हैं मार्केटिंग में, पर मुश्किल बिल्कुल नहीं है। साथ साथ पढ़ते चलोगे तो आसान बनेगा, वरना बाद के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहे हो तुम। ठीक है जी बेटा, सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होता है। बेटा प्रोडक्ट की डेफिनेशन मैं हमेशा प्राइस की सेंस में बोलूंगा, और जिस दिन प्राइस पढ़ाऊंगा इसकी डेफिनेशन प्रोडक्ट की सेंस में बोलूंगा। प्रोडक्ट की डेफिनेशन प्राइस की सेंस में, प्राइस की डेफिनेशन प्रोडक्ट की सेंस में। प्रोडक्ट रेफर्स टू द गुड्स एंड सर्विसेस विच इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर प्राइस। प्रोडक्ट क्या है बेटा, गुड्स भी हो सकता है सर्विस भी हो सकती है। जनरली बेटा जब हम प्रोडक्ट सोचते हैं तो हमारा मतलब होता है यार गुड्स गुड्स। मार्केटिंग में प्रोडक्ट क्या बेटा, गुड्स भी हो सकता है सर्विस भी हो सकता है जो मार्केट में ऑफर किया जाता है फॉर प्राइस। दैट मींस बेटा प्रोडक्ट कवर द टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल एट्रीब्यूट। बेटा गुड्स टेंजिबल चीज हो गई, सर्विसेज इनटेंजिबल हो गई, मतलब प्रोडक्ट में टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों ही बातें आ जाती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बेटा मुद्दा उठता है प्रोडक्ट मिक्स क्या चीज है, प्रोडक्ट तो समझ में आ गया बेटा, प्रोडक्ट मिक्स क्या चीज होती है, टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ सिंगल फर्म इन द मार्केट। बेटा किसी भी फर्म का प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है बेटा,
टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज ऑफर्ड बाय द दैट फर्म इन द मार्केट। बेटा अगर मैं कहूं आज की तारीख में नेस्ले का प्रोडक्ट मिक्स, तो बेटा 3000 प्रोडक्ट मार्केट में। हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट मिक्स बेटा 3200 प्रोडक्ट मार्केट में। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, जितने भी गुड्स और सर्विस आपने मार्केट में ऑफर कर रखे हैं सबका टोटल कर लो, वो आपका प्रोडक्ट मिक्स होता है। बट बेटा एक सबसे काम की बात है, यूजुअली अ फर्म एंटर विद अ सिंगल प्रोडक्ट एंड स्लोली इट एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाइड्स ऑपरेशन। बेटा शुरुआत कभी ऐसे नहीं होती कि 3000 प्रोडक्ट आपने मार्केट में उतरवा दिए। शुरुआत कैसे होती है, एक प्रोडक्ट से होती है। जब आप मार्केट कैप्चर कर लेते हो धीरे धीरे मार्केट में पकड़ बन जाती है, फिर धीरे धीरे आप डाइवर्सिफाई करते हो, धीरे धीरे आप एक्सपेंड करते हो। ऑब्वियसली बेटा जब सैमसंग इंडिया में आया होगा तो ऐसा नहीं किया होगा उसने माइक्रोवेव भी, रेफ्रिजरेटर भी, वॉशिंग मशीन भी, मोबाइल फोन भी, सब कुछ उतार दिया था क्या? सर एक ही तो प्रोडक्ट के साथ आया होगा। जब उसको लगा कि मेरा नाम बनने लग गया तो उसने दूसरा ऐड करा, जब बेटा दो चलने लग गए तो उसने तीसरा ऐड करा, ऐसे ही तो होगा। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, किसी कंपनी का टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय दैट फर्म इन द मार्केट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ आ रही है बात? एक सेकंड का बाबू बात समझ में आई अभी तक जितनी बताई? मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। बस बाबू प्रोडक्ट में ना तीन टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं और ठीक ठाक टॉपिक हैं बेटा, इजी है। कोई कहेगा ये मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना जी, पर लेंदी है वो तो बात है ही है। बेटा एक मुझे बात करनी है प्रोडक्ट में ब्रांडिंग की, दूसरी बेटा हमें बात करनी है पैकेजिंग की, और तीसरी हमें बात करनी है लेबलिंग की। बेटा आज मुद्दा ब्रांडिंग है, अगर ये भी पूरा कर लोगे तो मुझे लगेगा बहुत कुछ कर लिया हमने, ठीक है ना। पैकेजिंग और लेबलिंग इंट्रोडक्शन साथ में दूंगा, कराएंगे बेटा, फिर देखेंगे कैसे। पहले पैकेजिंग खत्म करूंगा सीक्वेंस में, फिर लेबलिंग, पर बेटा इंट्रोडक्शन दोनों का साथ ही दिया जाता है इनका। बेटा ब्रांडिंग की बात करते हैं, सब सामने देख रहे हैं। पहले बेटा मुझे पांच चीजों की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करनी है। ब्रांडिंग, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और बेटा ट्रेडमार्क। लोगों तक सब सामने देखो बाबू, ब्रांड क्या होता है? बेटा जब भी हम किसी प्रोडक्ट को नाम देते हैं, कोई सिंबल देते हैं, कोई लोगो देते हैं, कोई फोटोग्राफ देते हैं, कोई भी सिग्नेचर देते हैं या इनका कॉम्बिनेशन देते हैं, तो हम उसे ब्रांड बोलने लगते हैं और देयर कॉम्बिनेशन। बाबू ब्रांड क्या हो सकता है, कोई भी नाम ब्रांड हो सकता है, कोई भी लोगो या सिंबल ब्रांड हो सकता है, कोई भी सिग्नेचर, कोई भी फोटोग्राफ या इनका कॉम्बिनेशन ब्रांड हो सकता है। बेटा अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द फर्म को आप देखते हो नेम और सिंबल का बेटा कॉम्बिनेशन यूज करती हैं। बेटा ऑडी नाम है, बेटा एक लोगो, एक कहीं ना कहीं सिंबल है जो हमारे दिमाग में छप चुका है, ठीक है जी बेटा। लेकिन मैं कह रहा हूं मोस्ट ऑफ द फर्म, बेटा इतनी सारी चीजें और भी आई हैं तो इसका मतलब यूज तो होती होंगी ना। एमडीएच बेटा नाम और फोटोग्राफ का कॉम्बिनेशन यूज करता है। पार्ले जी नाम और फोटोग्राफ का कॉम्बिनेशन यूज करता है। एक कंपनी है रेड एंड टेलर, बेटा नाम और सिग्नेचर का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। समझ में आती है बेटा बात? ब्रांड क्या हो सकता है, कोई भी नाम, सिंबल या लोगो, सिग्नेचर, फोटोग्राफ या इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है जी बेटा। ब्रांड नेम क्या होता है, बेटा मेरी तरफ देखो प्लीज, दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी इजली स्पोकन। बेटा ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड का वो हिस्सा जो बोलकर बताया जा सकता है, और ऑब्वियसली इन सब में से सिर्फ एक ही चीज बोल के बताई जा सकती है, सिर्फ ये, बाकी कोई चीज बोल के नहीं बताई जा सकती, ठीक है ना जी। ब्रांड का वो हिस्सा जो बोल के बताया जा सकता है। बेटा मुझे लगता है ऑडी में से सिर्फ ये ऑडी बोल के बताया जा सकता है, वो तो लोग बेवकूफ है, चार चूड़ियां बोलते रहो कुछ भी। हाँ ऐसे ही बोलते हैं लोग, चार चूड़ियां, एप्पल को नहीं बोलते, पता नहीं क्या आधा कटा सेब या क्या बोलते रहो, लोगों को भी बोल के नहीं बताया जा सकता बेटा।
ठीक है ना बेटा, ब्रांड का वो हिस्सा जो बोलकर बताया जा सकता है, दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी इजली स्पोकन एज ब्रांड नेम। तो बेटा ब्रांड मार्क क्या होता है, वंस यार बेटा ब्रांड मार्क क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन, जो बोल के नहीं बताया जा सकता बट रिकॉग्नाइज्ड विजुअली, लेकिन बेटा देख के पता लगता है कि इस ब्रांड को बेटा बिलोंग करती है चीज, जैसे कि बेटा देखकर पता लगती है, बोल के नहीं बताया जा सकता पर बेटा हाँ हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बेटा कि किस ब्रांड को डिनोट कर रही है। पुराने टाइम में बेटा नोकिया के फोन आते थे 3315, नोकिया 1100, ऑन करते थे ना सबसे पहले हैंडशेक होती थी, हैंडशेक ऑफ नोकिया फोन, नोकिया की इमेज ही वहां से बनी थी बेटा, लोगों के दिमाग में वो छवि बन गई थी, जब तक हैंडशेक नहीं है तब तक नोकिया नहीं, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही बेटा बात। बाबू ब्रांड समझ में आया, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, When any part of the brand or a total brand is given legal protection, it is known as trademark. बेटा जब ब्रांड या ब्रांड का कोई भी हिस्सा, बेटा जब ब्रांड या ब्रांड का कोई भी हिस्सा लीगली प्रोटेक्ट करा लिया तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो बेटा हम उसको ट्रेडमार्क बोलने लगते हैं। बेटा हम लीगली प्रोटेक्ट क्यों कराते हैं, बेटा हम नहीं चाहते कोई और हमारे नाम का अनड्यू एडवांटेज उठाए, इसलिए हम प्रोटेक्ट करा लेते हैं, समझ में आई बेटा बात, हम नहीं चाहते कोई भी हिस्सा बेटा हमारा ऐसा रह जाए जो लीगली प्रोटेक्ट ना हो और बाद में दुनिया चुरा ले, दुनिया सबको चुराती है, टैगलाइन भी चुराती है दुनिया, दुनिया नाम भी चुराती है, दुनिया लोगो भी चुराती है, सब कुछ लोगों का काम है बेटा, अनड्यू एडवांटेज उठाना आपके नाम की, ठीक है ना जी। बाबू मैंने तो अपना पूरा किस्सा तुम्हें बताया था, दिखाया भी था बेटा ऑनलाइन अगर तुम्हें याद हो, ठीक है ना बेटा। किसी टाइम पर मैंने इस ब्रांड नेम के अंदर सक्सेस मंत्र 2011 में पढ़ाया था फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, 3 साल में पढ़ा नहीं पाया, सीए थी, 2010 में मेरी 12th हुई थी, 2011 में मैंने पहला बैच लिया था 12th का, ठीक है ना, 3 साल पढ़ाया नहीं, 2015 से रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। तो 2017 में 18 में मुझे जरूरत पड़ी कि इसको मैं लीगली प्रोटेक्ट कराऊं, अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराऊं, ठीक है ना, सीएस का काम भी यही होता है। तो बेटा उस टाइम पर 11 फर्म ने मेरे ऊपर केस किया था, जिस टाइम पर मैंने कहा ये मेरा ब्रांड नेम है, ठीक है ना। ऐसा होता है बेटा जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अप्लाई करते हो, मैंने बेटा 3 चीजें इकट्ठी रजिस्टर्ड करने के लिए अप्लाई करी थी, नाम सक्सेस मंत्रा, मेरी टैगलाइन है बेटा आपको बिजनेस एक्सपर्ट बनाना, ठीक है ना, और मेरा एक लोगो है स्पेसिफाइड जो ग्रुप में आप देखते हो बेटा, ठीक है ना, जो ग्रुप की डीपी है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं बेटा ये भी बना हुआ है, ठीक है ना, नीचे एक टैगलाइन भी लिखी हुई है, वैसे आपको अपनी आंखों से तो दिख नहीं रही होगी, मोल्ड योरसेल्फ टू बी अ बिजनेस एक्सपर्ट, आपको बिजनेस एक्सपर्ट बनाना हमारा काम है बेटा। जब मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर के लिए अप्लाई किया इसको, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद इन 72 आवर्स मुझे एक परमिशन दे दी कि आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, सक्सेस मंत्रा के ऊपर हल्का सा वर्ड टीएम लिखकर यूज कर सकते हो, टीएम वर्ड डिनोट करता है ट्रेडमार्क को, ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं होता कि रजिस्टर्ड हो गया, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन आ गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी मैगजीन्स में पब्लिश करती है इसको कि बता दो भैया किसी का नाम तो नहीं है, वरना मनीष को दे रहे हैं ना, तो 11 कंपनियां खड़ी हो गई कि हमारा नाम है, हमारा नाम है, हमारा नाम है, सब पढ़ाते हैं भैया, बहुत सारे नाम भी इतना कॉमन है कि बेटा सब पढ़ाना शुरू कर रखा था सब नहीं। अब बेटा ये सोचो कितनों को तो पता नहीं लगा होगा, 11 को तो पता लगा जिन्होंने केस किया, मैंने कहा चलो कोई नहीं कर लो भैया, जितनी भी लंबी जंग चलेगी चलेगी, 2020 में कहीं जाकर मेरे नाम रजिस्टर्ड हुआ, 3 साल मुकदमे चले, पता नहीं कितनी हियरिंग्स हुई, कितने प्रूफ देने पड़े मुझे, पर हो गया अल्टीमेटली काम, ठीक है ना। और जब ये रजिस्टर्ड हो जाता है तो सर टीएम की जगह हम वर्ड यूज करने लगते हैं आर, ठीक है ना जी, समझ में आया आपको किस्सा। बेटा अगर आपको लगता है कि कोई आपके नाम की अनड्यू एडवांटेज कैसे उठा सकता है या क्यों उठाएगा, तो बेटा अगर आपको लगता है कि कोई नहीं उठाएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं कल सर रिलायंस नाम चूज करना बेटर समझूंगा, पता लग जाएगा उठाते हैं एडवांटेज नहीं, सर आपको पता होना चाहिए बहुत बड़ी एडवांटेज उठाई जा सकती है, अगर गलती से भी मेरे नाम में कहीं रिलायंस आने लगे ना
बेटा दुनिया को पता नहीं क्या लगेगा कि कोई मुकेश अंबानी या नील अंबानी से है, कोई रिलेशन रिलेशन है क्या, ऐसे ही लगेगा। तो बेटा अंडी और वांटे तो उठाई जा सकती है, क्लियर है बेटा बात। बाबू मैंने चारों चीजें एक्सप्लेन कर दी, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ही करी है। अब बेटा ब्रांडिंग क्या होता है, देखो सबसे आसान डेफिनेशन बोलूंगा बेटा, अगर शॉर्टकट में लिखना है तो ऐसे लिखना, असाइनिंग अ ब्रांड टू अ प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग। किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड देना, ब्रांड देना मतलब इनमें से कुछ भी देना इज ब्रांडिंग। या अगर आपको लगता हो नहीं भैया मेरे को तो थोड़ा सा बढ़ाकर लिखना है, तो ऐसे लिखना असाइनिंग अ नेम सिंबल और लोगो फोटोग्राफ सिग्नेचर और देयर कॉम्बिनेशन टू अ प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग। मैंने ब्रांड वर्ड को इन सब वर्ड से रिप्लेस कर दिया, समझ में आती है बेटा बात, क्लियर, कोई परेशानी तो नहीं, सब क्लियर हो गया ब्रांडिंग क्या चीज होती है। ठीक है बढ़ाएं आगे बाबू, नेक्स्ट टॉपिक है नोट्स में ब्रांडिंग के एडवांटेजेस। पहले एडवांटेज लिखे हुए हैं बेटा मार्केटर के लिए, मार्केटर मतलब सेलर के लिए, और दूसरे एडवांटेजेस लिखे हैं बेटा कस्टमर के लिए। बेटा ब्रांडिंग का फायदा कहीं ना कहीं मार्केटर सेलर को भी है, और दूसरा बेटा कहीं ना कहीं कस्टमर को भी है। मैं वजह बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर बेटा ये टॉपिक आया हुआ है, तो और डिटेल में बात करेंगे। और वैसे बता देता हूँ नोट्स में लिखी हुई एक एक लाइन है, एनसीईआरटी में लिखी हुई एक एक लाइन है, पर समझेंगे बेटा बहुत तरीके से इसको। अच्छा पहले इस टॉपिक को छोड़कर एक बात वैसे करते हैं, आपको पता है बेटा हम सबके नाम क्यों रखे गए, कोई वजह थी? वैसे भी तुम तो बहुत भीड़ में पैदा हुए हो, 140 करोड़ में पैदा हुए हो, तुम्हारे तो नाम की वैसे भी जरूरत है। हाँ, वही होता बेटा, अगर नाम ना रखते ना तो कभी बेटा आपको सोसाइटी डिफरेंशिएट ही ना कर पाती एक दूसरे से। सर कोई भी डिफरेंट नहीं होता सोसाइटी के लिए, सब ए होते या बी होते, सब ओ होते, ओ बात सुन ए बात सुन, यही होते बेटा, सोसाइटी कभी डिफरेंशिएट ही ना कर पाती। समझ में आ रही है बेटा बात आपको, नाम इसलिए रखे गए ताकि एक दूसरे को डिफरेंशिएट किया जा सके। सर सेम वे बेटा, अगर कोई पूछे कि ब्रांडिंग का पहला एडवांटेज मार्केटर के लिए क्या है, तो बेटा इनेबलिंग मार्किंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बेटा एक मार्केटर एक सेलर नाम क्यों देता है, वो नाम इसलिए देता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट दिखा सके, ये दिखा सकें कि मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। समझ में आई बेटा बात। सेकेंड हेडिंग क्या लिखी हुई है बेटा, हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। मेरी तरफ देखो बेटा, मैंने एक लाइन लिखी हुई है, अगर एक लाइन आपको समझा दे तो मुझे भी समझा देना, इसलिए समझ लो यहीं पर, फिर आप कहोगे थोड़े दिन बाद कि मार्केटिंग बहुत मुश्किल है। बेटा हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम, देखो बेटा अगर नाम नहीं होंगे ना, सोच कर देखो सेलर के लिए वो एड कैसे करे अपने प्रोडक्ट का, टीवी एड दे रहा है, नाम है नहीं कोई, बेटा वो कह रहा है ये एक बिस्किट है, ये ना ग्रीन कलर की पैकेजिंग में आता है, यू हैव टू बाय इट, अब बाय करो बहुत बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये है वो है, ये एक नूडल्स बनाई है मैंने, ये येलो कलर के पैकेट में आती है, बाय करो। बेटा आप किसी कन्फेक्शनरी शॉप में गए, आपने कहा ग्रीन कलर के पैकेट वाला बिस्किट चाहिए, उसने दिखा दिया 50 है जी ग्रीन कलर के पैकेट, नाम तो कोई है ही नहीं बाबू। या आपने कहा येलो कलर में चाहिए नूडल्स, भैया सारी कंपनियां येलो में ही बना रही है, देखो कितनी सारी नूडल्स खरीद लो, कौन सी खरीद। बेटा अगर आप विदाउट अ ब्रांड नेम ऐड कर रहे हो या प्रमोशन कर रहे हो प्रोडक्ट का, बेटा आप सिर्फ जेनरिक प्रोडक्ट की सेल एंश्योर कर सकते हो, आप कभी ये एंश्योर नहीं कर सकते कि मेरा ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट बिके, क्योंकि आपने कह दिया कि ब्लू कलर के पैकेट वाला बिस्किट खरीद लो, भैया कस्टमर ले भी गया, आपको कैसे पता ये आपके ब्लू कलर का पैकेट है, आप सिर्फ बिस्किट की सेल एंश्योर कर सकते हो लेकिन सिर्फ मेरे ब्रांड के बिस्किट की सेल ये कभी एंश्योर नहीं होगी एड करने से। समझ में आते हैं बेटा, सिर्फ जेनरिक प्रोडक्ट की सेल ही एंश्योर होगी, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सेल कभी एंश्योर ही नहीं हो पाएगी अगर नाम नहीं है तो। बेटा अगर ऐड करना है मार्केटर को, प्रमोशन अच्छे से करना है, तो ब्रांड नेम चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रही है बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, दो बातें समझ आई।
बेटा तीसरी हेडिंग है डिफरेंशियल प्राइसिंग। बेटा डिफरेंशियल प्राइसिंग का क्या मतलब है? बेटा मैं एनसीईआरटी भी कुछ डिफरेंशियल प्राइसिंग के सेंस में लिखती है, पर मैं हमेशा बोलता हूँ इस हेडिंग का नाम ना सच मायने में हायर प्राइसिंग होना चाहिए। देखो बेटा ब्रांड क्या करता है, ब्रांड का काम ही यही होता है कि इनिशियली आपको ना बेटा हैबिचुअल बनाया जाए, चीजों का आदि बनाया जाए। और जब आप आदि बन जाते हो ना बेटा किसी चीज के, यू डोंट माइंड पेइंग हाई प्राइसेस फॉर दैट। सर जियो ने क्या किया, ब्रांड का काम ही यही होता है बेटा, आदि बनाओ। मैं आपको, मैंने मेन बैच में भी डिस्कस किया था आपके साथ, टाटा डोकोमो की सिम आया करती थी एक, 48 रुपीज का रिचार्ज होता था। जियो के पहले मैंने वही चलाई है सिम, 48 रुपए का रिचार्ज होता था, महीने का 550 MB डेटा मिलता था, ठीक है। और अगर आप 28 दिन पूरे होने से पहले रिचार्ज दोबारा करा लेते थे ना तो डेटा कैरी फॉरवर्ड होता था, और हम क्या करते थे कीपैड फोन में फेसबुक चलाया करते थे, ठीक है जी, और फेसबुक चलाते थे बस, ठीक है थोड़ा बहुत, मतलब सोशल मीडिया के नाम पर यही था, हमें पता कि फेसबुक कोई चीज होती है। पूरे महीने में 200 MB भी खत्म नहीं करते थे, बचा बचा के फूक फूक के आराम आराम से डेटा बार बार बंद करना, और ये सब प्रैक्टिस चलती थी। 350 MB बची, एक दिन पहले जाके रिचार्ज कराते थे, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती थी, 550 वो 350 वो जुड़ गई, कहीं GB डेटा इकट्ठा करा हमने ऐसे ही। और हमारे टाइम में हमारे को एक मिथ होता था कि अगर आपने YouTube खोल लिया तो खोलते ही 1-2 GB डेटा खत्म हो जाएगा, ऐसा मिथ होता था। हमें मेरे को हमें कभी आइडिया ही नहीं था कि YouTube से ऐसे ही इतना जल्दी डेटा खत्म होता। जियो आया भैया, अनलिमिटेड एक दिन में डेटा फ्री। भैया आदत ऐसी पड़ी, वो जो 550 MB हम बेटा कई महीने तक नहीं खत्म कर पाते थे, ठीक है ना। अब अगर गलती से मैसेज आ जाए ना 50% डेटा यूज आ गया, मन करता है फोन में निकल के इसके पहले झापड़ मारो, डेटा कैसे खत्म हो गया हमारा। सर सोचो तो सही किस लेवल के हम हैबिचुअल हो चुके हैं, और क्योंकि हम हैबिचुअल हो चुके हैं तभी तो बेटा वो रिचार्ज 666 हो चुका है, कल 777 भी होगा, परसों 888 भी होगा, फिर 999 भी होगा, देखेंगे कौन बंद कर देगा यूज करना। नहीं कर सकते, अब आदत पड़ चुकी है बेटा। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? लास्ट हेडिंग इज ईज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। बेटा अगर एक बार कोई ब्रांड एस्टेब्लिश्ड हो जाए मार्केट में, कहता है नया प्रोडक्ट लॉन्च करना इतना आसान होता है कि आपको मेहनत नहीं करनी होती। आज सच बताना आईफोन को कोई मेहनत करनी पड़ती है? कोई भी मेहनत, वो प्रोडक्ट लाता है भैया आईफोन 15 आ गया, टारगेट पूरे। अगर वो आज एक एड भी ना करे, एक सिंगल पैनी भी ना खर्चे ना, उसके टारगेट एडवांस में पूरे है बेटा, मुझे कुछ नहीं करना। तो कितना आसान होता है बेटा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना एक बार मार्केट में कोई ब्रांड एस्टेब्लिश्ड हो जाए, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना? पहले हमारे साथ पता है क्या चक्कर होता था? देख चलो मैं भी बता देता हूँ, और लोग मैं तो खैर आज भी कोई ब्रांड नहीं हूँ, पर बेटा ऐसा होता था जब हमने फर्स्ट ईयर पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे कहते थे पहले भैया ट्रायल लेंगे, फीस पता कैसे मिलती थी, पूरा महीना पढ़ा कर। सच बता रहा हूँ ना आपको, ये किस्से होते थे, ठीक है ना। अब धीरे 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 जब आप मार्केट में रम जाते हो, पक जाते हो, जब लोग आपके बारे में खुद बताना शुरू करते हैं दूसरों को, बस उसके बाद वही सब कुछ हो जाता है शुरू। अब बेटा मेहनत नहीं करनी पड़ती उन चीजों के लिए इतनी, ठीक है बेटा। समझ में आती है? आज जियो कुछ भी लॉन्च कर रहा है, सर उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मार्केट में पका पका है, नाम था रिलायंस, रिलायंस का ही वर्टिकल है जियो, सर उन्हें कुछ नहीं करना भैया, वो नाम की खा रहे हम, क्लियर है ना बेटा बात। अब बेटा बात उठती है एडवांटेजेस टू द कस्टमर, कस्टमर को क्या फायदा है ब्रांड का। बेटा सबसे पहला फायदा हेल्पिंग प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, बेटा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है। मैं कहता हूं बेटा मेरी तरफ देखना, अगर मैं कहूं कोई नाम नहीं है प्रोडक्ट पे तो क्या परेशानी आती है कस्टमर के सामने। लेट सपोज कोई वो येलो कलर की नूडल्स का पैकेट घर उठाकर ले गया, उसने पका ली खा ली, उसको बहुत बढ़िया लगी, नेक्स्ट टाइम बेटा वो परचेस करना चाहता है तो क्या कहना होगा, येलो कलर का पैकेट दे दो। अब कैसे पता लगेगा कि वही येलो कलर का पैकेट घर जाएगा, सारी कंपनियां येलो बना रही है। बेटा आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सिर्फ पैकेजिंग से प्रोडक्ट को,
कहीं ना कहीं नाम की जरूरत पड़ेगी आपको, समझ में आ रही है बेटा बात? तो कस्टमर बेटा अगर एक प्रोडक्ट मतलब कंज्यूम करके सेटिस्फाई फील करता है, तो अगली बार बेटा वो प्रोडक्ट को नाम से बुलाने में विश्वास ज्यादा रखता है, नाम से आइडेंटिफाई करने में ज्यादा विश्वास रखता है। क्लियर है, समझ आती है बेटा बात? अगली दोनों हेडिंग बहुत सिंपल है बेटा, एंश्योर्स क्वालिटी एंड स्टेटस सिंबल। बेटा कुछ ब्रांड इतने बढ़िया हैं कि बेटा क्वालिटी एंश्योर करते हैं और दूसरी बात बेटा स्टेटस सिंबल भी है, ठीक है ना? जैसे कि बेटा कहानी है, पिछली बार भी बताया था, सर्वे भी बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि बेटा एप्पल फोन से जितनी भी फोटोज क्लिक की करी जाती है उसका 50% मिरर सेल्फीज है। क्यों? क्योंकि दिखाना है भैया दुनिया को मैं ब्रांड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है बेटा लोगों के लिए, ठीक है ना जी? बाबू जब हम नॉर्मल जीन पहनते हैं तो बेटा शर्ट बाहर टी शर्ट बाहर, जब बाबू ब्रांड पहनते हैं लेवाइस या यूएस पोलो तो बेटा टक इन कर लो जींस, बस दिखना चाहिए दुनिया को यूएस पोलो है। तो बाबू कुछ ब्रांड अपने आप में स्टेटस सिंबल होते चले जा रहे, ठीक है ना? और लोग कंज्यूम करना उनको अपनी शान समझते हैं, हम प्राउड की फीलिंग है उनके लिए, समझ में आती है बेटा बात? यही थी ब्रांडिंग की एडवांटेजेस, समझ आई? बाबू आगे एक टॉपिक शुरू हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, 6 हेडिंग है छोटी छोटी, 4 मिनट लगेंगे, खत्म कर रहे हैं। बेटा एक अच्छे ब्रांड नेम में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सबसे पहली क्वालिटी है शॉर्ट एंड सिंपल। बेटा एक अच्छे ब्रांड नेम को शॉर्ट होना है, सिंपल होना है, इजी टू प्रोनाउंस होना है, इजी टू रिमेम्बर होना है। सर जितना शॉर्ट होगा जितना सिंपल होगा उतनी जल्दी लोगों के दिमाग में बस जाओगे, जितना लोग आसानी से पुकारेंगे सर उतना हिट होगे, जो दिखता है बेटा वही बिकता है, लोगों के नाम मुंह पे चढ़ जाना चाहिए। सर LG, इससे छोटा ब्रांड नेम क्या होगा? ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, दुनिया जन्मों जन्मों तक ना बोल पाए इतना छोटा इतना सिंपल हो, ठीक है ना? सर जितना कॉम्प्लिकेट करोगे ना उतनी बेटा जनरेशन से दूर चले जाओगे। मैं कहता हूं आज आते हैं बहुत सारे ब्रांड नेम आते हैं, शेवरोले आज बुलवाओ अपनी पुरानी जनरेशन से, अपने दादा दादी से, भैया वो ना कभी बोलेंगे ना आप कभी याद रहोगे ना आप मार्केट में हो, साफ शॉर्ट एंड सिंपल, सिंपल सी कहानी है, ठीक है जी? सेकेंड वन इंडिकेट्स द क्वालिटी। बेटा इफ पॉसिबल ब्रांड नेम ऐसा रखो जो कहीं ना कहीं क्वालिटी बताता हो, नाम में ही क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा रखो ब्रांड नेम, ठीक है ना जी? बाबू रिलायंस, रिलायंस मीन्स ट्रस्ट। नहीं मैंने तो बहुत सारे रीजन बताए थे, मैंने बहुत सारे रीजन बताए हुए हैं बेटा। सक्सेस मंत्रा रखने का लॉजिक भी कुछ ऐसा ही था, एस फॉर मेरे पार्टनर का नाम शुभम, एम फॉर मनीष, वो बात अलग है कि मेरी वाइफ का नाम भी इससे ही है, ठीक है ना? मैंने 2010 में पढ़ाना शुरू किया था, वो मेरी वाइफ नहीं थी तब, गर्लफ्रेंड थी चलो ठीक है, काम होना चाहिए, अंत भला तो सब भला, ठीक है जी? विशेष ऐसा कुछ नहीं सोचना तुझे, चलो ठीक है बेटा, चलो खैर यार तुम छोड़ो यार, लेकिन सक्सेस मंत्र अपने आप में इंडिकेट करता था क्वालिटी, ये तो मैंने खैर सबसे पहले यही सोचा था। बाबू रिलायंस का मतलब ट्रस्ट है, सर ब्रांड नेम ऐसा रखो अपने आप में क्वालिटी बताए, ठीक है ना? बाबू ब्रांड नेम ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे लोग कुछ भी रखते हैं, कुछ भी, बजाज कास्ट ही रख दी उठाकर ब्रांड नेम, मतलब इसके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए ना, वो बात अलग है आप मार्केट में सुपर डुपर हिट हो, पर इसके हिसाब से ब्रांड नेम ऐसा नहीं होना चाहिए। वो शॉर्ट एंड सिंपल की कैटेगरी में तो आता है, बट बेटा वो इंडिकेट द क्वालिटी वाली बात में बिल्कुल पुअर है, ठीक है ना? लक्स, लक्स इंडिकेट लग्जरी, लक्स वर्ड लग्जरी से बना है, ठीक है ना जी? चलो खैर आगे बढ़ाते हैं बात को बेटा। थर्ड हेडिंग इज यूनिक, और बेटा अगर सिक्स्थ हेडिंग देखोगे, सिक्स्थ हेडिंग इज कैपेबल, और मैं सिक्स हेडिंग को हमेशा ऐसे बोलता हूँ कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड होना चाहिए इस हेडिंग को। बेटा देखो अगर आप थर्ड हेडिंग की बात करो यूनिक और सिक्स की बात करो कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, ये एक ही तो कहानी है बेटा। अगर आप यूनिक होंगे तभी तो आप कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड होंगे, एक यूनिक नाम लाओगे तभी तो रजिस्टर्ड करा पाओगे अपने नाम पर, या कुछ भी किसी का कॉपी करोगे नाम तुम सोचोगे मेरे नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, उल्टा मुकदमा करा के बैठ जाओगे बेटा एक,
समझ आई ना बेटा बात। थर्ड हेडिंग है यूनिक होना चाहिए ब्रांड नेम, और सिक्स्थ है कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड होना चाहिए। बेटा यूनिक होगा तो कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड ऑटोमेटिकली होगा वो, ठीक है बाबू। नेक्स्ट हेडिंग इज अडेप्टेबल। बेटा ब्रांड नेम हमेशा ऐसा रखो जो बेटा अडेप्टेबल टू पैकेजिंग और लेबलिंग हो। देखो मैं आपको बताता हूं बेटा, आप लोगों को जितना परेशान करोगे ना अपना नाम पढ़ने में, उतना ही लोग परेशान करेंगे आपका प्रोडक्ट खरीदने में, ठीक है ना। अभी तो खैर मेरे पास मार्कर नहीं है, पर बेटा मार्कर ना कोई भी मार्कर आता है लगभग ऐसा ही होता है दिखने में। अब डोम्स मार्कर बना रहा है, यही लिखता है डी ओ एम एस, ऐसे घुमा के नहीं लिखता, डी ओ एम एस। बेटा जितना तुम दुनिया को तंग करोगे उतनी ही परेशानी होगी ना बेटा। मैं कहता हूँ कई ब्रांड ऐसे हैं इतना सा प्रोडक्ट बनाएंगे, पैकेजिंग चारों तरफ घुमा रखी है, ओ सॉरी ब्रांड ने चारों तरफ घुमा रखा, लोग देख रहे हैं भाई है क्या तू। सर ऐसे परेशान नहीं कर सकते आप दुनिया को, उतनी परेशानी आप देख लेना आप खुद बियर कर रहे होंगे जितना लोगों को तुमने परेशान किया होगा। तो ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल टू द पैकेजिंग और लेबलिंग, ठीक है जी। एक लास्ट हेडिंग बचती है, हेडिंग का नाम है बेटा वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइल बेटा ब्रांड नेम ऐसा रखो जो वर्सेटाइल हो। वर्सेटाइल मतलब किसी प्रोडक्ट पे लगा दो अजीब ना लगे। अच्छा एक बात बताओ, अपने आप में गोदरेज ऐसा कुछ खास मतलब है क्या आपके दिमाग में कि गोदरेज का कोई मतलब होता है? गोदरेज अलमीरा बनाता है, फर्नीचर्स बनाता है। अब होता है किसी भी बैंक में आप चले जाना गोदरेज के फर्नीचर मिलेंगे, सेफ माने जाते हैं गोदरेज। बेटा क्या बोलते हैं उसको यार, स्ट्रॉन्ग रूम के भी दरवाजे बनाते हैं। बैंक में स्ट्रॉन्ग रूम होते हैं ना जिसके अंदर लॉकर्स होते हैं, वो भी गोदरेज बनाते हैं क्या चीज? अरे यार छोड़ दे, वो गोदरेज प्रॉपर्टीज बढ़ाओगा शायद, गोदरेज नहीं गोदरेज प्रॉपर्टीज बढ़ाओगा, गोदरेज बढ़ाओगा, गोदरेज प्रॉपर्टी भी ठीक ठाक बढ़ाओ है। वो गोदरेज बनाता है अलमीरास फर्नीचर्स, गोदरेज हेयर डाई भी बनाता है। अजीब लगता है हेयर डाई पर गोदरेज वर्ड या अलमीरा पर? नहीं मैं कह रहा हूं किसी भी प्रोडक्ट पे लगा दे, कल को गोदरेज कुछ और भी बनाना शुरू कर दे, हॉजरी गुड्स बनाना शुरू कर दे, उस पर भी टैग आ जाए गोदरेज, कुछ भी नहीं अजीब लगा। अमूल बटर मिल्क, अमूल हॉजरी इनर वियर भी बनाता है, अजीब लगता है? नहीं अरे अमूल वर्ड का कोई मतलब नहीं है, कोई अजीब नहीं लगता, हमने कभी रिएक्ट नहीं किया होगा इस चीज को लेकर, नहीं किया ना कभी रिएक्ट, अजीब नहीं लगता। लेकिन बेटा आप नाम ऐसे रख लेते हो कई बार कि किसी दूसरे प्रोडक्ट पे इम्प्लीमेंट करना असंभव है, असंभव, ठीक है ना। मैं बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ इस चीज से रिलेटेड। बेटा डेरी मिल्क चॉकलेट आती है, कहीं और लगाना डेरी मिल्क, मदर डेरी मिल्क बनाता है, मदर डेरी मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट पे चल जाएगा, कहीं और लगाना फर्नीचर लगाना लिखा मदर डेरी, होशियारी है। तो बेटा वो ब्रांड वर्सेटाइल नहीं है, समझ में आती है बेटा बात? रखते आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।